स्पेशल उनके स्पेशल तोहफा। ये ले भजन, असल जो मेरा शौक है ना वो ये है, एक चैंपियन कबूतर हो और उनका जोड़ा बनाया जाए, और वो निके निके बच्चे मम्मी डैडी आजकल क्या बोलते हैं अपना दड़बी का 150 रुपये वाला कबूतर ऐसी बोलते हैं ना, अपना दूसरा डायलॉग क्या बोलते हैं, हाँ गिरा हुआ कबूतर। चेक करें भजन, अल्लाह का शुक्र है भजन, निकम्मा सही लेकिन जाहिल नहीं है, निकम्मा सही लेकिन लोगों की बातों में आके पागल नहीं बनता, और निकम्मा सही झूठ नहीं बोलता, निकम्मा सही अपने कबूतर बेचने के लिए मुनाफ़कत नहीं करता, क्योंकि ये कबूतर आप लोगों के हैं, ये मेरे नहीं हैं, ठीक है। और जो जो भाई उड़े हुए कबूतर इधर उधर से ख़रीदते हैं वो इमिजिएटली ये वीडियो बंद कर दें और ये वीडियो ना देखें, क्योंकि रंग इनकी क्वालिटीज़ के आगे कोई मैटर नहीं करते, इनको बोलते हैं कबूतर के बच्चे। अगर ये किसी उस्ताद के हों और वो ये वीडियो देखे तो ये 2 लाख का जोड़ा है, और ये वीडियो में कई उस्तादों ने मान भी लिया है। इससे पहले बहुत से लोग नहीं मानते थे मेरी बातों को, लेकिन पिछले दिनों एक दो वीडियो की क्लिपिंग एडमिन ने भेजी जिसमें उस्तादों ने माना ये बात कि दड़बी में अगर ये कबूतर पड़ा हो तो इसकी कीमत है 500, और हमारे लिए अनमोल है, हम 1 लाख का भी ना दें किसी को। यही कहानी इस जोड़े की है भैया, ये अनमोल जोड़ा है, तो ये ब्रीडर ही बिकेगा, ये चैम्पियन नहीं बिकेगा, ना हम किसी को उड़ाने के लिए देंगे और ना ये उड़ेगा। ज़ाहिर क्या होगा, मेरे पास पड़ा रहेगा, कोई बात नहीं, जहाँ इतने कबूतर दाना खा रहे हैं अल्लाह इनको भी रिस्क देता रहेगा, लेकिन ये कबूतर जब भी बिकेगा ये एज ए ब्रीडर बिकेगा, क्योंकि दोनों चैम्पियन हैं और इनको बोलते हैं कबूतर के बच्चे। कैश पे चलेंगे भजन, जो सबसे पहले पैसे देगा उसको देंगे, कोई यार कोई दोस्त कोई नया कोई पुराना क्लाइंट हमने ख़त्म कर दिया, वो डिक्शनरी से सफाई फाड़ दिया कि ये पुराना क्लाइंट है, सब बराबर है, जो पेमेंट भेजेगा उससे देंगे।